नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस जिसका z हमें 50 दिया हुआ है ऑफ रेडियस uh, हमें उसका रेडियस दिया हुआ है नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टीन सेंटीमीटर वो क्या होएगा नाउ अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला की एप्लीकेशन है अपने कोई बात पता है कि जो पोटेंशियल होएगा वो uh, होएगा के Q डिवाइड बाय R आप पोटेंशियल को ऐसे लिख देंगे यहाँ बस थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो आ, Q की वैल्यू लिखना है बाकी सारा डेटा तो दिया हुआ है सो so, इसको V को हम लिख सकते हैं V विल be इक्वल टू K K की वैल्यू आ जाएगी अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं ये के क्यू को हम यहाँ लिख देंगे जेड ई जेड इसका अटोमिक नंबर है और ई e आपका यहाँ पे आ, वो है आ, न इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रॉन का चार्ज सो वैल्यू रख के यहाँ पे हो जाएगा नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन मल्टीप्लाइड बाय जेड हमें फिफ्टी दिया हुआ है और आपका ई e होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन और डिवाइडेड बाय आर आर जो है वहाँ पे हमें दिया हुआ है नाइन इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टीन सेंटीमीटर नाइन इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टीन सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये टेन टू पावर माइनस टू और आ जाएगा यहाँ पर बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है सो नाइन से नाइन कैंसिल हो जाएगा फाइव और वन पॉइंट सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आएगा ज़ीरो कैलकुलेट कर लेते हैं तो नाइन और एक टेन और ये आपका माइनस नाइनटीन सो ये नाइन और एक टेन माइनस नाइनटीन ये बचा नाइन और ये फिफ्टीन आके और ऊपर ऐड uh, हो जाएगा सो so उसकी वजह से हम कह सकते हैं आपका जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी इक्वल टू टेन टू द पावर सिक्स वोल्ट एट इन टू टेन टू द पावर सिक्स वोल्ट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर